गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वय महाराज जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ बुधवार को अयोध्या से पधारे कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम भारत के प्राण, उनके चरित्र से हमें अपने जीवन में शिक्षा मिलती है। कथा व्यास ने व्यास मंच से कहा कि परमात्मा का प्रकट्य लोक कल्याण के लिए होता है, जबकि अन्य जीवों का जन्म अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए होता है। भगवान अपनी इच्छा से लोक में अपने करुणा, सौशील्य, सौहार्द आदि गुणों का विस्तार करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धरती पर धार्मिक असंतुलन होता है तो भगवान का अवतार होता है। उनके अवतार को समझने के लिए कथा श्रवण करना होता है। जो भगवान के अवतार को समझता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा को विस्तार देते हुए कथा व्यास ने कहा कि जिस परिवार में एवं जिस समाज व जिस राष्ट्र के व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वह मंदिर वैसा ही बन रहा है जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पूरी धरती पर सबसे भव्य नगरी अयोध्या थी, आज उसी रूप में अयोध्या का विकास होना हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। रामायण का प्रादुर्भाव करुणा से होता है, करुणा दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना है। महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के वध को देखकर दुखी होते हैं, तभी उनके मुख से प्रथम श्लोक निकलता है। यह श्लोक वेदों के बाद का पहला लौकिक श्लोक है। जो करुणा से निकलता है वहीं से रामायण की रचना होती है। भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र भी इसी भावना से लिए जाते हैं जिससे राक्षसों का वध करके समाज व राष्ट्र का कल्याण कर सके। कथा व्यास ने कहा कि रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु गिद्ध होते हुए भी एक नारी के लाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसका चरित्र हमें नारी सम्मान की शिक्षा देता है। ऐसा रामायण महाकाव्य हमारे देश का आदर्श है। यह वह भारत देश है जहां पशु पक्षी व वनस्पतियों के संवेदना का भी सम्मान किया जाता है, जहां प्रत्येक दिन को उत्सव के रूप में मनाने की संस्कृति है। यहां के लोग गौ माता में 33 कोटि देवता का वास मानते हैं। गौ माता से प्राप्त पंचगव्य को अमृत मानने की संस्कृति भारतीय संस्कृति में है। आज विज्ञान भी यह सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण मिलता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी से रक्षा करने का सामर्थ्य है। यह वह देश है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए कामना करते हैं, इसलिए इस भारत की धरती को स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। उन्होंने भजन मेरा भारत देश महान के द्वारा श्रोताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। कथा प्रारंभ होने के पूर्व अखंड ज्योति एवं श्री रामचरितमानस ग्रंथ की शोभा यात्रा गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज, कथा व्यास, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज तथा यजमानगढ़ द्वारा श्रीनाथ जी पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा व्यास मंच पर पहुंची। कथा का समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, प्रोफेसर यूपी सिंह, महंत रामनाथ जी, महंत राम मिलन दास जी, महंत गंगादास जी, महंत संतोष दास सतुआ बाबा जी, महंत शिवनाथ जी, महंत रविंद्र दास जी महाराज, महंत मिथिलेश नाथ जी, महंत अवधेश दास जी महाराज, महंत अवधेश दास जी, महंत राजू दास जी महाराज, योगी रामनाथ जी, मुख्य यजमान अवधेश सिंह, अरुण कुमार अग्रवाल लाला, अजय कुमार सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, यजमान अतुल सिंह, जवाहरलाल कसौधन, ईश्वर चंद्र मिश्रा, पुष्पदंत जैन, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, जितेंद्र बहादुर चंद, ओम जालान, अशोक जालान, श्रीचंद बंसल, महेश पोद्दार, अतुल सर्राफ, संजय सिंह, ब्रजेश यादव, जी एस राय, गोरख सिंह, ओम प्रकाश, कर्मचंदानी, प्रदीप जोशी, मार्कंडेय यादव, विकास जालान, संतोष अग्रवाल तथा इंजीनियर पी के मल, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी उपस्थित रहे। जन जन की सेवा में हमारे उत्तर प्रदेश के सृष्टि मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसा आज तक कोई लगा नहीं है।
प्रधानमंत्री जी लगे केवल लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, इसलिए हमने प्रारंभ किया लोकनाथ को नाम अकामयित नेत्री पृथ्वी की रिश्तेदारा को चाहिए है जो लोकनाथोपम हो सारे लोक का ध्यान रखे रक्षण करें। इसलिए विश्वामित्र महाराज कहते हैं आपने सकाम यज्ञ किया है स्वार्थ से और मैंने निष्काम यज्ञ किया है। सकाम यज्ञ करके राम जी को आपने पा लिया लेकिन पहचाना नहीं है ना। अब बहुत लोग मंदिरों में जाने लगे स्वार्थ से जा रहे, जाना अलग है मंदिर में लेकिन जाकर के प्रभु को पहचानना वास्तविक श्रद्धा समर्पण भाव रखना ये देखना है तो हमारे महाराज जी में देखिए कि कितनी निष्ठा है। हमारे समझ से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में महाराज जी अयोध्या धाम का पता है और केवल आज से ही नहीं जिन महापुरुषों के पुण्य स्मृति में इस आयोजन में वे दोनों महापुरुष श्री राम जन्मभूमि के लिए सनातन धर्म के लिए मानव मात्र के लिए प्राणी मात्र के लिए पूरे जीवन को उन्होंने आहुति दिया है। इसलिए राष्ट्र संत है, सारे राष्ट्र का जीवन के रथ में बसा हुआ है। इसलिए मैं निष्पाप निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं इसलिए मैं राम को जानता हूं कि राम कौन है आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम् रामं सत्य पराक्रमम् वसिष्ठोऽपि महातेजा एचे मे तपःशिष्टाः। अहम वेद्मि वैराग्यम् रामं सत्य पराक्रमम् राम सत्य के स्वरूप है, राम धर्म के स्वरूप है, राम चैतन्य के स्वरूप है, राम साक्षात परब्रह्म है। एक और विशेषता है रामायण में, संपूर्ण रामायण में प्रभु राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परब्रह्म हूं, कभी नहीं कहा, लेकिन छोटे छोटे पात्रों से लेकर ऋषि मुनि तक सबने राम जी को परब्रह्म के रूप में अनुभव कराया और चिंतन करने पर यह पता चलता है कि राम जी ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए कि जन जन को मेरी मानवीय गुणों का लाभ मिले। आज विश्वामित्र जी महाराज जी राम जी को क्या कहते हैं, परब्रह्म में राम। महाराज दशरथ ने राम जी को बन जाने को नहीं कहा पूरी रामायण, लेकिन पिताजी को द्वंद्वधर में देख द्वंद्व धर्म में देख करके कितनी ऊंची सोच रही होगी ना। आज हम आदेश का माता पिता गुरुजनों के संतों के आदेश को भी हम सुना करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ के अंदर एक द्वंद्व था कि महारानी कैकेयी को मैंने वचन दे दिया कैसे मना कर, एक तरफ निर्दोष राम को मैं बन जाने को कैसे कहूं, इस द्वंद्व में पड़े थे। महाराज दशरथ के अंतर द्वंद्व को समझ करके राम जी 14 वर्ष बनकी हो जाते हैं। उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता श्रेष्ठ आदर्श जनों के अंतर भाव को समझ करके वैसा कार्य करे। जब प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो भीष्म जी ने पूछा कि हे राघव आप में तो कोई दोष है नहीं, फिर आपके पिताजी ने आपको बन क्यों भेजा। तो राम जी कहते हैं भीष्म जी अयोध्या में रहता तो केवल 4 भाई रहते और मेरे पिताजी ने बन भेजा तो मैं गंगा जल को साक्षी मानकर निषाद राज गुरु को अपना भ्राता बनाया, संख्या बढ़कर 5 हो गई। पंपा सरोवर के जल को साक्षी मानकर सुग्रीव जी को अपना भ्राता बनाया, संख्या बढ़कर 6 हो गई और आज समुद्र जल को साक्षी मानकर आपको अपना भ्राता बनाता हूं तो बढ़कर संख्या 7 हो गई, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे बन भेजा है।
ये राम जी का दर्श है, अद्भुत। जितने भगवान के अवतार हुए सब भारत देश में हुए, क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, दिव्य है। सारे विश्व में आज बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कैसे हम जलवायु को शुद्ध करें, प्रदूषण मुक्त कैसे हो, ये पृथ्वी जल वायु कैसे, जो हम सब जीव हम सबके जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा जीवन है, इनको कैसे निर्मल विशुद्ध किया जाए। करोड़ों खरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं विदेशों में, परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसका समाधान बताया, और जिस समाधान के अनुसार हमारे महाराज जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। सरोवर की रक्षा है, नदियों की रक्षा है, वृक्षारोपण है, पर्वतों की रक्षा है, भूयंताम अग्ने सम्यक ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विशुद्ध गाय के घी से आहुति कराइए, यज्ञ कराइए, तब प्रदूषण मुक्त होगा, जल थल ये सब बिल्कुल निर्मल रहेगा। हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कहा। आज भारतीय संस्कृति का समग्र रूप यहां दिखता है, कितने सैकड़ों की संख्या में देखो यहां संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, गौ माता का कितना दिव्य सैकड़ों की संख्या में यहां दर्शन है, उनका दिव्य गोरस जब मिलता है तो मन चित्त सब पूरा निर्मल हो जाता है। ये समाधान है, वनस्पति तक की पूजा हमारे भारत देश में, यो भारत देश है जहां पर संपूर्ण वेद प्रकट हुए, उपनिषद प्रकट हुए, आरण्यक प्रकट हुए हैं, धर्मशास्त्र प्रकट हुए हैं, सारे विश्व को पुष्पक विमान और कामक विमान का स्वरूप हमारे भागवत और रामायण के ग्रंथों ने दिया है। आज विज्ञान बहुत आगे है। एक सज्जन आए थे अमेरिका से, बोले महाराज पुष्पक विमान में एक सीट खाली रहती थी, कितने लोग बैठ जाते, इस पर शोध कर रहे हैं, और शोध कर रहे हैं कि कोई ऐसी लकड़ी उसमें जोड़ी गई थी जो बहुत ही संवेदनशील थी, और इस कारण से वो सीट बढ़ जाती थी। बात अच्छी लगी, आज समाज के हर एक व्यक्ति को ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिए। आज किसी की प्राण जाते जाते हैं, कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, सब लोग वहीं से निकल जाते हैं, कोई वीडियो बनाता है, जबकि हमारे वनस्पतियों में एक लाजवंती नाम की वनस्पति है, छोटा पेड़ होता है, पतले पतले पत्ते होते हैं, उसको लाजवंती कहते हैं, आप ऐसे स्पर्श करोगे तो उसके पत्ते तत्क्षण उसी क्षण को मिला जाते हैं। यही वनस्पति भी इतनी संवेदनशील है कि आपके स्पर्श से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। महाराज जी बहुत अहर्निश कार्य करते हैं, परंतु सब हरेक व्यक्ति को संवेदनशील होना पड़ेगा। जैसा राष्ट्र महाराज दशरथ काल का है, राम जी के राज्य के काल का, जैसे दशरथ जी बड़े स्वाभिमान से कहते हैं मेरे राष्ट्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं वो बेपान करता, किसी की निंदा करता, दीनानुकंपी, कोई दीनहीन नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोर है, नास्तिक है, हार्मिक है, हर एक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। तो संवेदनशील तो पुष्पक विमान और कामक विमान जैसा दिव्य विमान हमारे भागवत और रामायण ने दिया, हमारे ऋषियों ने दिया। यह भारत देश है जहां पर पंचकन्याओं को स्मरण किया जाता है, द्वादश भागवतों को स्मरण किया जाता है, सप्त चिरंजीवियों को स्मरण किया जाता है, बारह आलवारों को स्मरण किया जाता है। ये भारत देश है जहां पर सुंदर रामायण जैसा काव्य है, महाभारत जैसा दिव्य काव्य है। पुराण और इतिहास ये दो हैं, पुराणों में 18 पुराण और इतिहास में दो लिए गए, महाभारत और श्रीमद् रामायण।
की जब हम तुलना करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें इतिहास श्रेष्ठ लगता है। और इतिहास में भी जब हम रामायण और महाभारत की तुलना करते हैं तो हमें रामायण श्रेष्ठ लगता है। कारण यह है कि महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म पितामह, उनकी उपस्थिति में द्रौपदी जो भगवान की परम आश्रिता थी उसको उसकी लज्जा लूटी जाती है। परंतु रामायण का जो सबसे छोटा पात्र है कौन, यद्यपि छोटा कहना अपराध है, महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, व्याख्याकारों ने जटायु जी को महाभागवत सत्य से संकेत किया है। तो रामायण का अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो जो सबसे छोटा पात्र है गिद्धराज जटायु, जगत जननी भगवती जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, रामायण का सबसे छोटा पात्र। सबसे छोटा पात्र रामायण का गिद्धराज जटायु एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति, यह रामायण। परंतु महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भी सुनता मौन बैठे। इन सारे गुणों का हम लोग अवधारण करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी मना जी कितना संवेदना से युक्त होकर के संभालते हैं। गौमूत्र से करैया का स्नान करती है, गो में गोबर लगे। आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण भी है, गौमूत्र में कैंसर जैसे घातक बीमारी को दूर करने की क्षमता है। कितनी संवेदना है गौ माता में। महाराज जी जब सुबह अपने हाथ से गौ माता को खिलाते हैं बिस्कुट, रोम रोम से आशीष मिलता है। ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जैसे हमारे गोविंद कृष्ण रखते हैं गौ माता। अब वो पीपल को साक्षात ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते, तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, वर्ष में एक बार तो विषधर नाग की भी पूजा करते हैं। कब करते हैं? नाग पंचमी के दिन करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी देखो कोई ना कोई महापुरुष प्रकट होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है, सारे विश्व को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। इसलिए क्या कहते हैं संत जन, बंगम में मृदंग गौरांग ने कुमत कीर्तन को आनंद पार भारत की संस्कृति स्तंभ में झलकती है, महापुरुषों का योगदान झलकता है। और इसीलिए हम मुक्त कंठ होकर के कहते हैं देवता तरसते हैं हम जन्म लेने के लिए। देवता भगवान से कहते हैं अहो वमी साम किम कारि शोभनम प्रसन्न ये साम स्वीदत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम विश्व भारता जिरे मुकुंद से वो वैकम स्वीहा। प्रभु आपने लगता है पक्षपात किया, हमें स्वर्ग में निवास दे दिया, केवल पुण्य अर्जन किए वो भोग करके फिर नीचे गए। परंतु भारत देश में जिन लोगों को आपने जन्म दिया है ये लोग अपने जीवन में भक्ति आराधना करके श्री राम कथा सुन करके गौ सेवा करके संत दर्श करके संत वाणी सुन करके ये अपना कल्याण करेंगे और अपनी पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे। ऐसे भारत में हमें जन्म क्यों नहीं दिया, आपने पक्षपात किया, ऐसे देवता भगवान को लाना कहते हैं। तो हम लोग मुक्त कंठ होकर इसलिए कहते हैं स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहां जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान।
सेवाओं लोक कर्ताओं के कारण अपने इस भारत भूमि को भारत मां शब्द से हम जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई चीन माता कहता है हा? कोई नहीं कहता, क्योंकि ये विशेषताएं दिव्यताएं और कहीं नहीं। हमारे यहां गरीब को भोजन भी देते हैं और दरिद्र नारायण कहकर प्रणाम भी करते हैं। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। सारे विश्व की संपूर्ण संस्कृति हमारे भारत देश में है। भारत देश के हर कोने का दर्शन कर लो, पूरे विश्व का दर्शन हो जाए। ऐसी दिव्य पावन धरा अयोध्या में जब सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनि ने, महर्षियों ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने, प्रभु के प्रेमियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने प्रभु से प्रार्थना की, अयोध्या के उत्तर दिशा में एक वर्ष तक चलने वाले पुत्रेष्ट यज्ञ में लोग ऋष्य श्रृंग के आचार्यत्व में चल रहा था। आज बहुत सारे तीर्थ खो गए, बहुत सारे सरोवर खो गए, आज उनका पुनरुद्धार हुआ है, बहुतों का हो चुका। मखौड़ा धाम आज भी अयोध्या में बड़ा प्रसिद्ध है। गोपताल घाट जहां प्रभु श्लोक से श्लोक को पधारे, वहां कितना दिव्य भी निर्माण कार्य चल रहा है, अद्भुत विलक्षण। खुद खोया हुआ जो गौरव था, जो हमारी संस्कृति थी लाखों वर्ष पहले, उसका पुनः जीवन महाराज जी के सत संकल्प से हो रहा है, जिसको हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष नहीं करते। समस्त देवताओं ने जब प्रार्थना किया, एतस्मिन् अंतरे विष्णु व्यापो महात्यधि शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा मनोहरा। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आप अनुभव करिए। सुबह जब चलती है, पाठ चलता है, आप चुपचाप बैठ जाइए और एक एक शब्द को श्रवण करिए। हर एक पद्य में आपको लगेगा कि परमात्मा कण कण में निवास कर रहे हैं। बिल्कुल सरल और सहज वाणी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। एक परम वैष्णव भूत भावन शिव जी का वचन, सात जगह भगवान विराजमान है, उनको जहां स्मरण करो वहां प्रकट हो। सबने भगवान को स्मरण किया तो भगवान यज्ञ में प्रकट हुए। सबने प्रार्थना की है, प्रभु आप पधारिए। राक्षसों की वृत्ति बढ़ती जा रही है, असुर दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका विनाश आप ही कर सकते हैं। देखो, सब परमात्मा के पुत्र हैं, इन सबको ठीक करने के लिए परमात्मा पहले चार पत्र लिखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड है ना, चार वेद भेजते हैं कि इसको सुन समझकर ठीक से रहो। लोग नहीं मानते तो थोड़ा विस्तार से, जैसे अंतर्देशीय लिफाफा होता है वैसे 18 पुराण रामायण इनको विस्तार से भेजते हैं कि इनको सुनकर पढ़कर धर्म मार्ग में चलो, मानवीय मार्ग में चलो, परस्पर प्रेम सौहार्द से रहो, निर्भय रहो और निर्भय रखो लोगों को। लेकिन जब लोग नहीं समझते, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तब ही परमात्मा दिव्य महापुरुषों को भेजते हैं, विशिष्ट जनों को भेजते हैं। फिर भी लोग जब नहीं सुधरते, तब परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे कोई क्षेत्र होता है, वैसे तो महाराज जी के इतना वो अनुशासन है, सब ठीक ठाक, लेकिन कहीं संदेश, संदेश नहीं, आपकी उपस्थिति, उपस्थिति से पूरा साफ जगमगा जाते हैं, आप समझ में नहीं आता, सब तत्पर हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा जब वेद, ऋषा, नारण्यक, पुराण, इन काव्य रामायण, इन सबके भेजने के बाद
फिर अपने विशिष्ट अंश को भेजते हैं, फिर उनसे भी जब समय नहीं होता, कई लोग कहते हैं महाराज 4,32,000 वर्ष कलि की आयु लगी, 5,000 वर्ष बीते, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा। तो विशिष्ट महापुरुषों को, विशिष्ट विभूतियों को ऐसे ही परमात्मा करते हैं, समन्वय करते हैं, ठीक करते हैं, स्तुति करते हैं। राम राम सिया राम 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 ही बनाना पड़ा, लीलावत कैवल्यम, केवल लीला के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान के ही स्त्री मुख से भगवान कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से आत्मान सृजाम्य हमारे, और ये बात सच भी है और इस कार्य के लिए आते भी, लेकिन और गहनता से जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कार्य भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते उस कार्य को करने के लिए श्लोक में उतार लेते हैं। प्रभु को इतना संकोच हुआ जब विश्वामित्र जी ने बताया, तो राम जी अपने स्त्री चरण को धीरे 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 नीचे रख रहे थे, राम जी की महिमा देखिए, राम जी के चरणों से एक धूल का कण गिरा उस शिला पर, तत्क्षण उस शिला से मुक्त होकर के देवी अहिल्या का रूप प्राप्त कर ली। पाषाणों की यदंग पंक रजसा सामान गुणेर मोचिता ध्यान पत्राण परायण स भगवान नारायणों में गति। जिन प्रभु के चरण का एक धूल कण सापित हिया का उद्धार कर दिया, उन प्रभु की दिव्य कथा को हम इतने दिन स्मरण करें, उन प्रभु के हम दर्शन करें, उन प्रभु के लिए हम तन धन तन मन धन से अर्पण होकर शरणागत होकर उनकी शरण में रहें, अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पण करें, तो हम कितने भाग्यशाली होंगे और हम पर कितनी प्रभु की कृपा होगी। एक चरण के धूल कण से मुक्ति मिली है या को, सतानंद जी उपस्थित हो गए, स्वागत सत्कार किए, और जब प्रभु राम अहिल्या का उद्धार करके मिथिलापुरी में पहुंचे थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सहज रूप में प्रभु राम, कितनी मर्यादा है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा मानी, केवल धनुष नहीं तोड़ना, धनुष तोड़ने के बाद भी कुछ प्रतिज्ञा है, गुरुदेव ने कहा ठीक है, इशारा दे दिया, आज्ञा दे दिया। प्रभु राम सहज भाव में उठे हैं, सहज भाव का मतलब कई लोग बड़ा काम करना होता है तो ऐसे पूरे ठमठा बनते हैं, कमर में कपड़ा बांधते हैं, सहज भाव में उठकर प्रभु, क्योंकि महाराज जनक जैसे महायोगी महाज्ञानी मुक्त पुरुष का पूज्य धनुष है,
इसलिए प्रभु राम ने भी उस पूज्य धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा की, सहज भाव में धनुष को उठाया। प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, मध्य से कर्कश आवाज करता दो धनुष को जी। कई सखियों के मध्य दिव्य वरमाला लेकर के प्रभु राम के समीप पधारी। कितना कोमल चरण है, सखियां पुष्प की कलियां बिछा रही हैं, वो कलियां भी चरण में चुभ रही हैं। सखियां किशोरी रानी जी से कहती हैं, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, जगत के कण किया भाई, स्याय तुमने सर्वानी है। सुंदर वातावरण भगवती किशोरी जानकी जी ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण किया। प्रभु राम ने किशोरी जानकी जी को और बड़ा दिव्य यज्ञ कुंड बने, चार कुंड बने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को बुलाया और कहा, देखो आप लोग चार भाई हो और ये चार बहने हैं, सीरत ध्वज महाराज की दो कन्या और कुशध्वज महाराज की दो कन्याएं। तीनों भाइयों ने कहा, ये तो भैया राम का विवाह है, हम बाद में देखेंगे। बोले ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर मौका न मिलेगा। इसलिए चार मंडप बने, चार यज्ञ कुंड बने, गोदान कराया गया, वैदिक मंत्र पढ़े गए। सबसे पहले जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर राघवों को समर्पित करते हुए कहते हैं, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, प्रतीक्षचैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणी स्वपाणिना। मैंने अपनी बिटिया सीता को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि आपके सुख में तो साथ रहेगी, दुख में पीछे नहीं, आपके आगे आगे चलेगी। और जानकी जी ने अपने पिता की बात को बहुत निभाया। बन जाते समय जानकी जी कहती हैं राम जी से, आपके चरण कोमल हैं कांटे चुभे के बन में, अग्रदस्ते गमिष्यामि मदंती कुशकंटका, मुझे आगे ले चलो, आगे आगे चलूंगी, अपने पैरों से कांटों को कुचल दूंगी तो चरणों में पीड़ा न होगी। सह धर्मचरी तव, आपके सुख दुख में हमेशा मेरी बेटी सहभागी बनेगी। प्रतीक्षचैनां भद्रं ते, सुंदरता की बात है ना, आप पहले सुंदर थे राघव, लेकिन मेरी बिटिया के घर बदल में विराजमान हो, मेरी बिटिया जानकी की सुंदरता की छाया आपको पड़ रही है, तो पहले से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर आप दिख रहे हो, आपको नजर न लगे, आपका मंगल हो। ऐसे किशोरी जानकी जी का कर कमल लेकर के राघवेंद्र के हाथों में अर्पण किया है। बोलिए जानकी नाथ भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। बहुत दिव्य प्रभु की एक पावन कथा चलेगी। प्रातः काल का सत्र जो होता है वो भी बड़ा अद्भुत होता है। महाराज जी के समय से पहले से ही प्रातः काल का सत्र जो सत्र होता है
उसमें देश की विशिष्ट विभूतियां, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, चिंतक, साधक, राष्ट्र चिंतक, शास्त्र चिंतक, समाज चिंतक, समाज सुधारक, अनेक लोगों का कार्यक्रम रहता है और महाराज जी बहुत सुंदर बिंदुओं को रखते हैं। जैसे इस वर्ष प्रातःकालीन सत्र में सुंदर बिंदु रखे गए हैं, कैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, कैसे इस समय जो सेना में भर्ती हुई है अग्निपथ, उस पर क्या चिंतन, क्या राष्ट्र हित है उसमें, ऐसे ज्वलंत विषयों पर भी चर्चा होगी। भी बहुत सुंदर सत्र होता है। हम लोग प्रातःकाल ऐसे सुंदर सत्र में सहभागी बनेंगे और दूसरे सत्र में कथा का लाभ लेंगे। महाराज जी का सानिध्य, संतों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब आपके कदमों से और खुद संत जन के कदमों से महाराज से आप सबके द्वारा भगवान की आरती और उसके राम की आरती और उसके बाद अल्लाह का